विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बजते ही सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। तो वहीं बता दें आपको कि दिल्ली में सियासी पारा तेजी से बढ़ रहा है। जी हां, नामांकन के आखिरी दिन यानी मंगलवार को आम आदमी पार्टी यानी कि आप और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के बीच ट्वीट वॉर शुरू हो गया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा कि उनका यानी कि बीजेपी मकसद मुझको हराना है, लेकिन मेरा मकसद भ्रष्टाचार हराना और दिल्ली को आगे ले जाना है। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि आप 70 वादों को पूरा करने में फेल रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा, एक तरफ भाजपा जेडीयू एलजेपी कांग्रेस आरजेडी, दूसरी तरफ स्कूल अस्पताल पानी बिजली फ्री महिला यात्रा दिल्ली की जनता, मेरा मकसद है भ्रष्टाचार हराना और दिल्ली को आगे ले जाना, उनका सबका मकसद है मुझे हराना। अरविंद केजरीवाल के आरोप पर मनोज तिवारी ने कहा, एक तरफ टूटी सड़कें, गंदा जहरीला पानी, एक नया स्कूल नहीं, एक नया अस्पताल नहीं, अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर बंद, एक भी इलेक्ट्रिक बस नहीं, सब करप्शन से लड़ने वालों को पार्टी से निकाला, कांग्रेस से गठबंधन कर डाला, 70 वादों पर आप फेल रही। जी हाँ, बता दें आपको कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है वो 8 फरवरी को मतदान होंगे, इसी के साथ ही 11 फरवरी को मतगणना होगी और इसी के बाद ही पता चलेगा कि दिल्ली में किसकी सरकार होगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।